दुनिया के सात अजूबों में एक यमुना नदी के तट पर स्थित सफेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल। इट इज द मोस्ट अमेजिंग एंड ब्रिलियंट प्लेस। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। बयालीस एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और यह 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण में 1000 हाथियों की सहायता भी ली गई, जो संगमरमर के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जो बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, ईरान और राजस्थान से मंगवाए गए थे। ताजमहल तीन रंग बदलता है और इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की जरूरत होती है, जैसे जैसे इसको नमी मिलती है यह मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि ताजमहल को यमुना नदी के तट पर बसाया गया। इसकी बारीक नक्काशी और स्थापत्य अद्भुत एवं बेजोड़ है। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। प्रतिदिन करीब 12,000 सैलानी इसे देखने आते हैं। ताजमहल देखना हमारे लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। ताजमहल से आप यमुना नदी का भी शानदार विहंगम दृश्य देख सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की जरूरत होती है, जैसे जैसे इसको नमी मिलती है यह मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया। इसकी बारीक नक्काशी और स्थापत्य अद्भुत एवं बेजोड़ है। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। भारतीय नागरिक के लिए इसका टिकट 50 रुपए एवं विदेशी सैलानियों के लिए इसका टिकट 200 रुपए है। अगर आप इस कोविड काल में ताजमहल देखने जा रहे हैं तो शाम 6 बजे से पहले पहुंच जाएं, अन्यथा आपको खाली हाथ आना पड़ सकता है।